नमस्ते स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर, इट्स आवर प्लैनेट। सो लेट स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ एज टेकन फ्रॉम आउटर स्पेस। इट लुक्स सो ब्लू फ्रॉम स्पेस, सो मच सो दैट आवर अर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। कैन यू थिंक व्हाई दिस इज सो? बिकॉज 70% of Earth surface covered by water bodies. Is our Earth the only planet in this universe? No, there are 8 planets in our universe. Our planet Earth. In the solar system, Earth is the only planet that has all the conditions necessary to support life. This makes Earth unique indeed. This is possible due to many factors. So student, solar system में earth एक only planet है जिस पर life possible है, because उस पर जीने के लिए वो सारी condition available है, like air, land, water, etc. उस वजह से earth हमारा एक unique planet है. The earth has thick blanket like layer of air called atmosphere surrounding it. Earth has both land and water on its surface. Earth is located at perfect distance from the sun, so it is not too hot or too cold. Earth ke surround mein atmosphere ka ek thick layer bana hua hai jisme bahut sare gases like carbon dioxide, oxygen, hydrogen, nitrogen, वो सारे गैसेस से एक थिक लेयर बना है, ओजोन लेयर, जो हमें सन की जो स्ट्रॉन्ग रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है. सेकंड ये है कि अर्थ लैंड और वाटर ये दोनों सरफेस से बना हुआ है. वाटर बॉडी के कंपेयर में लैंड का बहुत ही कम पार्ट है. थर्ड फैक्ट ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ का जो प्लेस है वो थर्ड नंबर पर है, इस वजह से वो सन से परफेक्ट डिस्टेंस पर है. इफ़ यू टेक अ लुक एट द ग्लोब, यू विल सी दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज. द रिमेनिंग 30% इज लैंड ऑन विच वी लिव. द वाटर बॉडीज विच कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड सीज और ओशंस. द लैंड मासेस आर कॉल्ड continents. We will study about the oceans and continents in details in this chapter. Earth पर 70% water bodies है जबकि 30% ही land mass है. और जो 70% water bodies है उसमें river, lake, ocean, seas ये सब include है. Earth पर जो सबसे used water body है वो है seas and oceans. इस chapter में हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. आवर कॉन्टिनेंट. द लार्ज लैंड मासेस विच आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. मिलियंस ऑफ ईयर अगो देयर वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया एंड वन ह्यूज ओशंस आर कॉल्ड पैंथलेसा. ओवर द ईयर्स द पेंजिया स्प्लिट इंटू pieces to form 7 continents. The largest continent is Asia and smallest is Australia. Student, million years पहले अर्थ पर सिर्फ एक ही continent था जिसका नाम था Pangea और huge ocean था जो था Panthalassa. लेकिन सालों बाद Pangea 7 pieces में divide हो गया और ये 7 continents बन गया, जिसमें सबसे जो लार्ज कॉन्टिनेंट है वो है एशिया और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया. एशिया. एशिया कवर्स 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड मास. इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ एशिया. अर्थ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, जो जहाँ ईस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन एंड साउथ में इंडियन ओशन है.
अफ्रीका, अफ्रीका इज सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज ऑन ऑल साइड्स, मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ड्यू टू इट्स वास्ट साइज एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन, इन लार्ज वराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड हियर. अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों ओर वाटर बॉडीज है, जहाँ पर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में इंडियन ओशन और वेस्ट में अटलांटिक ओशन है. वास्ट साइज और क्लाइमेटिकल वैरायटी की वजह से इस रीजन में फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं. फ्लोरा मीन्स कोई पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड फौना मीन्स पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स. अफ्रीका ऑल्सो हैज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. वर्ल्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो अफ्रीका में है. इट इज़ ऑल्सो होम टू द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा. अफ्रीका एंड एशिया वेर वंस लिंक्ड बाय 125 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ सुएज. नाउ द सुएज कैनाल जॉइंस द मेडिटेरेनियन एंड रेड सी. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है सहारा, वो अफ्रीका में है. अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली इस्थमस ऑफ सुएज कैनाल, जो 125 किलोमीटर चौड़ी है. नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज बॉर्डरेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. द होल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट लाइज विद इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड पार्ट्स ऑफ इट लाई इन द आर्कटिक सर्कल एज वेल. थर्ड जो सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन है. नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट है. साउथ अमेरिका, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वेर अर्लियर लिंक्ड बाय द इस्थमस ऑफ पनामा, बट द पनामा कैनल सेपरेट द टू कॉन्टिनेंट्स. जो पनामा कैनल है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करती है. पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पनामा कैनल से जुड़े हुए थे. वन ऑफ द डेंसेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. द कॉन्टिनेंट इज होम टू एन अनपैरेलल्ड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच मेक्स इट्स बायोडाइवर्सिटी रिच इंडीड. सबसे डेंसेट रेन फॉरेस्ट, डेंसेट मतलब गीच, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो रेन फॉरेस्ट अमेजॉन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है. साउथ अमेरिका बायोडाइवर्सिटी से रिच कॉन्टिनेंट है बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं. अंटार्कटिका, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज़ लोकेटेड कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, विद द साउथ पोल लेइंग ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका इज नोन एज द फ्रोजन और वाइट कॉन्टिनेंट एज इट इज़ permanently covered by a thick layer of ice. Not many people live here due to the harsh climatic condition. The vegetation and wildlife that is found here is also very less. Antarctica south pole mein hone ki wajah se is continent mein pure saal snowfall hota hai, jis wajah se koi bhi insaan yahan par nahi reh sakta. जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं और वाइल्ड लाइफ है, वो भी यहाँ पे बहुत ही कम पाए जाते हैं. यूरोप, इट इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लेइंग कम्प्लीटली विद इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर.
some of the most economically and industrially advanced nations of the world can be found here. Though small in size, Europe has a very rich history. The continents of Asia and Europe are joined and together from Eurasia. Asia is separate from Europe by the Ural Mountain. Ural Mountain Asia और Europe को अलग करता है. दुनिया की सबसे रिच कंट्रीज, इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री जिस कॉन्टिनेंट में है वो यूरोप में है. ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री. इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स एंड लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका एक ही कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और यह सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और यह चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, सी और ओशन से घिरा हुआ है. इस वजह से इस कॉन्टिनेंट को आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. सो स्टूडेंट, आज हमने अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा. जो सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंट वो है एशिया, देन आफ्टर अफ्रीका, जो थर्ड नंबर पर है वो नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा.